नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो जो आप देखते होंगे तो आपको पता होगा हमारे यहाँ पर एक रीसेलर स्टोरी प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें हम रीसेलर्स की स्टोरी सुनाते हैं। आज एक ऐसे फ्रॉड की स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि एक बंदे के साथ दो बार फ्रॉड हो गया। एक रीसेलर था जिसने एक होलसेलर या डीलर बोल सकते हैं उनको ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट नहीं भेजा। लगभग 1100 रुपए का आइटम था, प्रोडक्ट नहीं भेजा तो उसने उस कस्टमर को रिफंड कर दिया। तो पहला फ्रॉड यहीं पर हो गया क्योंकि 18 दिन हो चुके थे, वो रिप्लाई नहीं दे रहा था, रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। दूसरा फ्रॉड कब हुआ कि जब उसने किसी से कॉन्टैक्ट किया गूगल पर नंबर सर्च करके, और गूगल पर सर्च किया कि ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करते हैं अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड करे, तो वहां से उसे किसी का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। उसने उसको कॉल किया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है, हमारे साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। तो उस बंदे ने कहा कि हमारी 1100 रुपए के लगभग 1099 रुपए फीस है, आप कंप्लेंट डालिए, ये 1099 भी आपको मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपका जो पैसा है वो भी मिल जाएगा, ये आपकी फीस लग जाएगी कि हमने एडवोकेट को दी थी। और उसके बाद उसने कंप्लेन के लिए पैसे भी दे दिए, उसके बाद उसने कंप्लेन भी नहीं की और वैसे ही कंज्यूमर कोर्ट का एक मैसेज बना के उसे भेज दिया कि आपकी कंप्लेन हो चुकी है और कंप्लेन रियल में नहीं हुई थी। तो ऐसे ही एक रीसेलर के साथ दो बार फ्रॉड हो चुका है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी स्टोरी बता सकते हैं, अगली वीडियो में हम आपकी स्टोरी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से सचेत रहिए, फ्रॉड लोगों से बचे रहिए। आप किसी के साथ भी डील करें लेकिन भरोसा करके करिए, ऐसा नहीं आप ऐसे ही ऑर्डर दे दें, बहुत सारे फ्रॉड ऑनलाइन बैठे हैं। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।